And she is living her dream. They say traveling alone must be the scariest thing. Yes, it is. But it is one of the most life-changing experience of my life. Some Extra Scoop welcome you all to a new place and to a new episode. So without any delay, let's see what's in Jaipur series. Oops, I spilled the location. So, ye hai Jantar Mantar. जंतर का मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड मंत्र का मतलब मेजरमेंट और कैलकुलेशन. इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और ये बनवाया गया था महाराजा सवाई जय सिंह इन द टाइम पीरियड ऑफ 1724 टू 1734. और पूरे इंडिया में 5 ही सनडायल है जिसमें से सिर्फ जयपुर में दिस वन इज़ वर्किंग और अभी कोई भी वर्किंग स्टेट पर नहीं है. And it is the one of the biggest and biggest sundial in the world. और इसमें ये sundial में there are 14 instrument and जिसको देख के astronomical measurements की जाती है. So let's see क्या क्या है वो 14 instrument. Come. जंतर means क्या हो गया? Instrument. So जंतर means instrument हो गया. मंत्र means हो गया calculation. तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन. तो इस जंतर मंत्र को हमारे जयपुर के राजा ने बनाया था. जयपुर के राजा जिनका नाम था सवाई जय सिंह. राजा जो जय सिंह है वो खुद एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, टाउन प्लानर और गुड रूलर भी थे. राजा जय सिंह ने ऐसे जंतर मंत्र पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए. सबसे पहला जंतर मंत्र दिल्ली में बनाया गया. तो फर्स्ट हो गया दिल्ली, सेकंड हो गया वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ उज्जैन और फिफ्थ जयपुर. जयपुर का जंतर मंत्र सबसे लास्ट में बनाया, सबसे बड़ा बना और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है. मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी काम कर रहे हैं. बाकी जो 4 जगह जो पहले जंतर मंत्र बनाए वो रफ है यानी मॉडर्न, क्योंकि वहाँ पे जो जो कमियाँ जो आई उन्होंने किया पूरा दी. और ये बनाया था 1728 में, 1728 यानी 300 ईयर्स पैक, 300 वर्ष पहले. ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बना हुआ देखे आप ये वाला, ये घड़ी बनी हुई है और ये हमें टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है. अब ये कैसे टाइम बताएगा ये आइए देखते हैं अपन. इधर ये वाइट मार्बल लगा हुआ है, इस वाइट मार्बल के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है हिंदी में. जैसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर हम देखेंगे टॉप में तो वहाँ पे हिंदी का 6 लिखा हुआ है. उसके नीचे देखेंगे तो ये 7 है, फिर ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12. तो इधर टाइम देखेंगे सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे. अच्छा, फिर 12 बजे बाद उधर टाइम देखेंगे क्योंकि ये एम हो गया, वो पीएम हो गया. ये देखो यहाँ पे शैडो आ रही है, दिख रही है आपको? ये बीच में दीवार बना हुआ है, इस दीवार की जहाँ पे शैडो गिरेगी ये हमें टाइम बताएगी. अब ये कितना बजा? 1 बज गया. फिर ये है 5 मिनट, 10, 15, 20, इंडिकेट लोग 35, 40, 45, 50, 55, और एक 56 मिनट हो गया ना ये. तो ये हो गया अपना 1:56. ये कहाँ का टाइम हुआ? जयपुर का टाइम, लोकल टाइम. अब हमको देखना है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो इसके लिए आपको कितना मिनट जोड़ना पड़ेगा? 36 मिनट जोड़ना पड़ेगा. तो 36 मिनट जोड़ेंगे तो इंडिया का टाइम आ जाएगा. तो ये हो गया 2:33 आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए. देखिए आपका घड़ी आगे चल रहा है लेकिन ठीक है, परफेक्ट सॉल्व. तो ये घड़ी हमें जयपुर का टाइम बता रही है, यू नो लोकल. और ये टाइम हो गया IST और ये चलता है इलाहाबाद से. इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर,
उसको इंडिया का सेंटर पॉइंट बनाया गया है। तो इलाहाबाद और जयपुर के टाइम में 36 मिनट का डिफरेंस। इसमें आपको जो छोटी लाइन दिख रही है ना ये वाली, हाँ? ये सेकंड भी है, 20 सेकंड। अच्छा, तो एवरी 20 सेकंड में शैडो क्या करेगी? इसका नाम था सन डायल, सन क्लॉक, इसे हिंदी में सूर्य घड़ी भी कह सकते। और ये घड़ी काम करती है ओनली 12 घंटे, मतलब सनराइज टू सनसेट ओनली फॉर डे टाइम। ये यहाँ का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है और ये रात को काम करेगा, रात को 8 बजे। रात को 8 बजे आप यहाँ से सीधा आकाश में देखेंगे ना ऐसे, तो ये आपको ध्रुवा तारा दिखाएगा। और आज तक भी ये दिखता है? बिल्कुल, क्योंकि ध्रुवा तारा कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, और ध्रुवा तारा हमेशा नॉर्थ में होता है। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या बन गया? कॉम्पस। तो ये कॉम्पस हो गया डायरेक्शन देखने के लिए। तो रात को हमें डायरेक्ट ही आपको ध्रुव नक्षत्र दिखा सकता है, होल स्टार। जो मुझे पता नहीं था, लेकिन इसी में बता भी नहीं सकती। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं सर, ये 24 आवर्स वाला घड़ी है। वो घड़ी हमने देखा था कितने आवर्स का? 12 घंटे, 12 आवर्स। ये 24 आवर, ये रात को मून लाइट में चलेगा और डे में सन लाइट। तो सन और मून दोनों में टाइम दिखाएगा। बीच में पाइप लगाओ दिख रहा है, इसकी शैडो गिरेगी और जहाँ इसका शैडो गिरेगा वो हमें टाइम बताएगा। इसका शैडो देखो ये रहा, हाँ दिख रहा है, हाँ। ये आ गया 2:01 और रहा है, नहीं 2 ही बज गया, लगभग 2 बज गया। और प्लस कितना जोड़ना है? 36। तो 2:36। और ये घड़ी काम करेगा ओनली 6 महीने। 6 महीने बाद ये घड़ी बंद हो जाएगी। तो कब 6 महीने में ये काम करता है? ये चलेगा आपका विंटर में और पीछे वाला चलेगा समर में। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो 6 महीने उधर टाइम देखेंगे, 6 महीने उधर टाइम देखेंगे। तो ये वाला घड़ी है ना, ये स्टार्ट होता है 23rd of September और चलेगा 21st March। अब आने वाला है 21st March, उसके पीछे वाला घड़ी काम करो। तो हम जो 2 दिन की बात कर रहे हैं, 21st March एंड 23rd of September, उस दिन क्या होता है, नाइट एंड डे आर इक्वल। अच्छा, 12 आवर्स का नाइट होता है और 12 आवर्स का डे होता है, जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक्जेक्टली। और सन कहाँ होगा? बीच में। तो ये हो गया आपका, इधर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में आ गई आपकी इक्वेटर लाइन। अभी इधर देखिए, यहाँ पे देखो सन का लाइट नहीं है और 6 महीने तक यहाँ पे सन का लाइट नहीं गिरेगा। अभी आने वाला है 21st March, उसके बाद ये घड़ी चालू हुई है और ये समर स्टार्ट हो जाए। इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है यंत्र राज। ये रात को काम करता है, रात को स्पेशल परमिशन लेकर इसको देखा भी जा सकता है। ये रात को आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, स्टार प्लैनेट, उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बताएगा। नाम इसके अंदर लिखे हुए देखो हिंदी में, हाँ, कुछ छोटे छोटे लिखे हुए हैं, हाँ। नाम हिंदी में लिखा हुआ है रोहिणी, हाँ, वहाँ पे दिखा, हाँ। इसके ऊपर फिर अश्विनी, अश्विनी, बृहणी, कृतिका, ये देखो बहुत सारे नक्षत्र हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। अच्छा, ये सर्कल भी बना हुआ है 360 डिग्री। ये बीच में लाइन भी देख रहे होंगे आप, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ऊपर कौन सा पोल, नॉर्थन पोल, नीचे साउथ, बीच में जो होल है वो इक्वेटर लाइन। अब रात को क्या करेंगे, इस होल पे टेलीस्कोप लगाना है। तो होल पे टेलीस्कोप लगेगा ऐसे लंबा टेलीस्कोप, फिर टेलीस्कोप को धीरे धीरे आपको ट्विल्ट करना पड़ेगा ऐसे, और फिर टेलीस्कोप से देखोगे आप स्काई में। अच्छा,
और जो स्टार दिखेगा ना आगे उसका नाम लिखना होगा, नाम आएगा कि आप किस स्टार को देख रहे हैं, और वो उसका रफ है, पहले रफ बनाया फाइनल, तो वो हो गया ट्रायल एक्सपेरिमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस इंस्ट्रूमेंट डिवाइडिंग टू पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं, तो यहाँ का मिसिंग मार्बल पार्ट बी में ही, और पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ग्लोब हो जाएगा, ऐसे ये ग्लोब हो गया। इस ग्लोब को टू में डिवाइड कर दिया, हाफ इधर हाफ उधर। अब ये क्या बताएगा, ये राशि बताएगा, ये राशि बताएगा कि अभी सूर्य किस राशि में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि 12 राशि होती है, 12 महीने, एक महीने का एक राशि, 12 महीने का पहला, इसको बोलते हैं जोडियक साइन, सन साइन। अब राशि कैसे मालूम करेंगे, ये सेंटर में देखो ये मेटल का प्लेट लगा हुआ है, इसे सन माना गया है, पोजीशन ऑफ सन, इसका शैडो भी दिख रहा होगा, और जहाँ पे शैडो दिख रही है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है मीन राशि, मीन मतलब हो गया पाइसिस, मेरा हाथ का परछाई देखो, चेक माई हैंड शैडो, ये यहाँ देखो, यहाँ भी मीन राशि लिखा हुआ, देखो ये दिख रहा ना आपको सर, इसी लाइन को ऐसे फॉलो करेंगे ना, पूरा मीन राशि, तो सुबह इस प्लेट की जो शैडो है वो आपको इधर मिलेगी, वो शैडो कहाँ मिलेगी, फिर वो शैडो ऐसे चलती और शाम को वहाँ ऊपर चली जाएगी सनसेट, सनसेट। बट रहेगा कौन सी राशि में, मीन राशि में रहेगी, और मीन राशि जो है ना पाइसिस, ये स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी, तो 21 फरवरी से लेके 21 मार्च, तो 21 मार्च तक जितने भी बच्चों का जन्म होगा वो सब मीन राशि के होंगे पाइसिस। और ये मेरा हाथ का परछाई देखो, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला ये इक्वेटर लाइन है, कौन सी लाइन होगी, तो इक्वेटर लाइन से 6 राशि ऊपर और 6 राशि नीचे, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जब इस प्लेट की शैडो दिख रही है आपको, वो शैडो ये भी मार्बल पे नहीं हो और मार्बल के नीचे हो, मिसिंग मार्बल में है, फिर ये काम नहीं करेगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ का मिसिंग मार्बल, फॉर 1 आवर दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स। अभी आपको मैंने सबसे पहले क्या दिखाया था, सनडायल, वो टाइम देखने वाला घड़ी बताया था, और वो घड़ी कितने सेकंड का टाइम बताता है, 36 यहाँ पे जयपुर लोकल में, बट वो शैडो कितने सेकंड में चलता है, 20 सेकंड में, क्योंकि वो घड़ी जो था उसका लीस्ट काउंट जो एक्यूरेसी है ना वो 20 सेकंड है, एवरी 20 सेकंड में शैडो मूव करती है। बट ये देखिए, ये उसका 10 गुना बड़ा घड़ी बना दिया, प्रोसीजर दोनों का सेम है, डिजाइन भी सेम है, बट उसका 10 गुना बड़ा है, 10 times बिगर, तो इसका एक्यूरेसी हो गया 2 सेकंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी है, और ऐसा घड़ी पूरी दुनिया में कहीं पे बना हुआ, और टाइम कितने सेकंड का, 2 सेकंड। ये देखो ऊपर दीवार बना हुआ दिख रहा होगा बड़ा वाला, इस दीवार की क्या गिरेगी, शैडो गिरेगी, तो इस दीवार की परछाई गिरेगी मार्बल पे, आपको मार्बल नजर आ रहा है, विंडो में से देखो, विंडो में से उस मार्बल पे गिरेगी, और वो कितने सेकंड में चलेगी, 2 सेकंड। ये देखिए यहाँ पे ये जोडियक साइन बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन राशि, और ये मीन राशि का देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये टोटल 12 राशियाँ बनी हुई हैं, और सब राशियों के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और यह हॉरोस्कोप बनाने में काम
आता है, यू नो कुंडली। और कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सब एक्यूरेट आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से एक्यूरेट 100% आपका कुंडली बन सकता है। तो हमने सबसे पहले कहा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ से हमें क्या डिसाइड किया उधर? राशि। तो पहले राशि देखेंगे ना अपन, किस राशि में बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे? टाइम, कितने बजे अपना जन्म हुआ। फिर टाइम से क्या मिलेगा? डिग्री। आइए ये देखो, यहाँ पे शैडो आ रही है, दिख रही होगी आपको शैडो। और अभी हमारी घड़ी का टाइम हो गया 2:45, और 2:45 पे अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ। कौन सी राशि में? मीन राशि में। कितने डिग्री पे हुआ? ये 300 लिखा हुआ है। हाँ। फ्री हो गया 1 डिग्री, तो 301 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे होता 302, 303, 304। अच्छा, बट अभी शैडो यहीं पे है, तो ये हो गया 301 डिग्री पे अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब हमको वहाँ पे जाना है, वो जो रात वाला यंत्र बताया था ना, हाँ, पीतल का, हाँ, प्लेट, उसमें क्या लगाना है? टेलीस्कोप। और वो कितना डिग्री घुमाना है? 301 डिग्री। फिर वो क्या बताएगा? नक्षत्र बताएगा, किस ग्रह नक्षत्र में इस बच्चे का पैदा हुआ। राजा काफी इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल, राजा एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पे दिखाया गया है डिग्री, और एक राशि है ना वो 30 डिग्री का होता है, एक राशि 30 डिग्री, तो राशि हो गई 12, तो 12 + 36 जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है रामायंत्र बी, कॉम्प्लीमेंट्री टू ए, तो पार्ट ए उधर बना हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ का जो मिसिंग मार्बल है, मिसिंग वो वहाँ पे है, वहाँ का मिसिंग किधर। अच्छा, ये क्या बताएगा हमें? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट अबाउ द होराइजन, कि सन कितना ऊपर आ गया। आगे लिखा हुआ है एजीमुथ, यानी रोटेशन, रोटेशन कि अर्थ कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, क्योंकि वन रोटेशन कंप्लीट 360 हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स। तो सन का हाइट भी बताएगा, अर्थ का रोटेशन भी बताएगा। आइए जाके जो के ताले ऊपर जाओगे ना, 50 डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री का मतलब है पृथ्वी। बनाओ देख रहे हैं, इसका नाम है चक्र यंत्र, रेन और ये हमें बताएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका? सन का, अर्थ का। अच्छा, और सर सन के साथ? यस, क्योंकि अपना अर्थ ना वो सीधा नहीं है, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, और अर्थ जो है टिल्ट होते हुए घूमता है वो, जिससे कभी समर हो जाता है, कभी विंटर, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें छोटी हो जाती है ना। तो ये अर्थ का एंगल बताए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो रिंग है ना, इसको घुमाना पड़ेगा, टिल्ट किया जाएगा, बट अभी टिल्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। ताला क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग बैठ के झूला झूलते। ये देखो वो रिंग का शैडो दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये रिंग है, और रिंग की शैडो जमीन में गिरी हुई है। जैसे रिंग गोल है, परछाई भी गोल है। अब रिंग को क्या करें? घुमाना पड़ेगा। हाँ। तो वो परछाई क्या करेगी? आपस में कोलाज होगा। यस, मिल जाएगी। जैसे कि मेरा हाथ का परछाई देखो, दिख रहा हाथ का परछाई? हाँ। अब ये घूम गया और ये परछाई मिल गई, ये वापस दो हो गई, वापस मिल गई। तो वैसे ही रिंग को घुमाओ और परछाई को मिला दो, मिला। उसके बाद क्या करो? ये उंगली या स्केल या पेन कुछ भी इस हॉल में डाल दो, फिर उसका क्या गिरेगा? शैडो। उसका जो शैडो गिरेगा, ये डिग्री बता देगा कितने डिग्री पे है, उत्तरायण में है या समर चल रहा है या विंटर। और मान लो वो जो स्केल आप लगाओगे और उसकी शैडो डायरेक्ट इसी पे आ गई, मतलब हो गया 0। नाइट एंड डे आर इक्वल, 12 आवर्स का नाइट हो गया, 12 आवर्स का डे हो गया, इक्विनॉक्स हो गया ना। इधर जाएगा तो दिन बढ़े,
इधर जाएगा तो रात बड़ी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लास्ट इंस्ट्रूमेंट है और ये भी रफ मॉडल है। ये किसका रफ मॉडल है? उस घड़ी का जिसने हमको 24 घंटे का टाइम बताया था ना, तो समर और विंटर वाला। तो हमने हर चीज को यहाँ पे देखा, बट उस हर चीज का क्या बनाया, पहले रफ बनाया और उसके बाद उसको फाइनल डिजाइन किया है। तो यहाँ पे जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, ये सारे आज भी सन की लाइट पे काम करते हैं, और ये सन पे भी चलते हैं और मून पे भी चलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है, ये ईस्टर्न भी है और वेस्टर्न भी है। तो ये था आपका जंतर और मंतर। इसको हिंदी में अपन जंतर मंतर बोल देते हैं ना इंग्लिश में, बट हिंदी में इसको बोलते हैं ज्योतिष वेदशाला। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये था आपका जंतर और मंतर। दैट्स ऑल, थैंक यू। काफ़ी सही था कि मेरा ये वाला वीडियो सबको अच्छा लगे। मैंने एक टूर गाइड लिया बिकॉज यहाँ पे इतने सारे चीज़ है जो कि कोई ऐसे नॉर्मल आदमी आएगा या फिर कोई भी आएगा इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से मुझे अंकल ने बताया। वेल, अंकल का नाम राकेश है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, अगर जब भी नेक्स्ट आना हो यहाँ पे जयपुर पे जंतर मंतर आना हो, प्लीज़ एक टूर गाइड लो। वो जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आई डोंट थिंक एनी पर्सन कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, एंड स्पेशली राकेश अंकल। उन्होंने तो मुझे इतना सारा चीज़ बताया, इतना सारा चीज़ मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि यहाँ पे इतने सारे चीज़ है। सो ये आई होप ये वीडियो अच्छा लगे, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।